अस्सलाम वालेकुम, अहलन वसहलन, मरहबा, वेलकम टू नैयर आफ्ताब ऑफिशियल। तो आज बनने जा रही है बेसन की रोटी। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, बनने लगी है बहुत ही स्पेशल बेसन की रोटी। इसके लिए मैंने देखिए बहुत ही फाइन चॉप प्याज कर लिया है, छोटे छोटे से टमाटर के क्यूब्स कर लिए हैं और छोटे से ये चिली को क्रश कर दिया, ग्रीन चिली को। ठीक है, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ नमक। ठीक है, और जाएगी अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, अब सिंपल इसमें जा रहा है ये आटा है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया इसमें आटा। और अब मेन चीज़ इसमें जाने लगा है, आटा हमने डाल दिया और अब इसमें सेम क्वांटिटी में जाने लगा बेसन। बस अब मैं इसको पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं अब दिखाती हूँ आपको इसकी पूरा, जैसे पेड़ा बनाते हैं वैसे। तो ये मैंने इसको गून लिया है। ठीक है, लेकिन आपने बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूनना है, और अगर आपको लगे कि आपका बैटर पतला हो गया तो आप इसमें थोड़ा आटा और डाल दें। ठीक है, अब सिंपल मैंने इस तरह से गून लिया। इसे मैं अपने हाथ पे, ये मैंने घी लगाया और मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, 4:15 to 16 मिनट हम इसको रख देंगे फ्रीजर में मेरे बगैर, ताकि मैं आपको आज साग के साथ खिलाने लगी हूँ बेसन की रोटी। हाय, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, थैंक यू सो मच। तो अब जी ये जा रहा है आटा, देखें बिल्कुल सही हो गया। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए जो है वो फ्रीजर में रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सेट करना है जी, ये देखिए मैंने पेड़ा जो है वो बना लिया है पूरा। ठीक है, ऐसे फ्रीजर से इसको निकाल के अब मैं इसको मोटा बेलूंगी। बहुत पतली नहीं होती है, थोड़ी मोटी सी होती है बेसन की रोटी। तो ये देखिए मैंने बेल दिया है ना, अब मैंने इसकी साइड पलटनी है ना, तो मैं थोड़ा सा इस पर ये सूखा आटा स्प्रिंकल करूँगी ऐसे और फिर इसे पलटूँगी। ठीक है, ये देखिए डाल दिया मैं इस थोड़ा सा, और ये डाल दिया। आज थोड़ी आपने लाइट लगी, मैंने इसको पलटा है। कितनी मोटी होती है और साग के साथ तो बहुत ही मजे की लगने वाली है। ये रखेंगे हमारी ये रोटी बिल्कुल तैयार है, दोनों तरफ से सीख गई है अच्छे से। और देसी घी डाल के और फिर हम इसे सर्व करेंगे। हाँ जी, तो ये है देसी घी और ये मैं थोड़ा सा लिया ऐसे। अच्छा, मेरी अम्मी ना रेड वाली चटनी बनाती हैं, वो जो साबुत मिर्च होती है ना, वो लहसुन ज़ीरा नमक डालकर और थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको ग्राइंड कर लें, इतने मज़े की चटनी रेड वाली बनती है कि बस। वो इस रोटी के साथ देसी घी और वो लगा लें, बस काम पूरा हो जाता है, इतना मज़ेदार लगता है कि बस बेसन की रोटी के साथ। लेकिन हम इसको सर्व करने जा रहे हैं साग के साथ, तो मैं ये साथ साथ अब सब रोटियों पर थोड़ा थोड़ा देसी घी लगाने लगी हूँ। तो ये है हमारी बेसन की रोटियाँ, साथ है सरसों का साग विद देसी घी का तड़का और साथ है दही। तो आज का हमारा मज़ेदार सा लंच रेडी है जी। आफ्ताब, क्या खा रहे हैं फिर आप? मैं अपनी फेवरेट चीज़ खा रहा हूँ। क्या? बेसन की रोटी और साथ सरसों का साग। वाह जी वाह, इंजॉय करें आप। बेसन की रोटी बनाई है आज मैंने और सरसों का साग है साथ देसी घी में।